The topic of this session is network switches. Under the umbrella of network devices, we have studied hub and repeater. In this session, we are going to study the network switches. Switch is a layer 2 device, means which work on the data link layer. Layer 2 is physical layer is first layer, data link layer is second layer. That's why it is called as layer 2 device. Its working is somewhat similar to bridge. That's why it is also called as multi-port bridge. It is also called as multi-port bridge. It is an intelligent device. Why it is an intelligent device? Because we have seen the problem of hub and repeater, that in the hub and repeater, what happens when we transmit the information, it broadcasts the signal. Means suppose 4 devices are connected, 4 devices are connected with the hub, then when one wants to communicate with 4, one wants to communicate with 4, this is the path, okay. And when 3 wants to communicate with 1, this is the path, okay. Means the path for communication for all the devices are same. Ek hi path se sabhi ko communication complete karna hai. To yahan pe jo collision domain hai, wo increase ho jayega. Means simultaneously agar information transmit hota hai 1 se bhi aur 4 se bhi, to yahan pe collision ho jayega. Simultaneously agar 3 se hota hai, to yahan pe collision ho jayega. Means dedicated ek hi path rahega, to collision domain kitne rahenge, jitne number of devices rahenge. ओके, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिवाइसेस द कोलिजन डोमेन. सो ये सब नहीं होता है किसमें, स्विच में. फिर क्या होता है स्विच में? इन स्विच सपोज दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड ए बी सी एंड डी ई एफ. ओके, दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द स्विच. सपोज ए वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद बी एंड सी. हियर for all the devices a dedicated path is there internally. ठीक है, सभी के लिए एक dedicated path है switch में. जैसे यहाँ पे common path था, ऐसे नहीं है. A to all devices, B to C to all devices, तो dedicated path है. ये एक advantage है switch का. तो इससे क्या होगा, collision रिड्यूस हो जाएगा. मल्टीपल पाथ रहेंगे तो इट विल फॉलो द मल्टीपल पाथ एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन विल रिड्यूस इन द स्विच. एंड दैट्स बिकॉज इट इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस. और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होता है ASIC, ये आईसी, मल्टीपल आईसीज यूज होते हैं ASIC के. ASIC मीन्स एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट. दिस आईसी इज यूज इन द स्विचेस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन इंटेलिजेंट डिवाइस. एंड दिस इज द वर्किंग, इट वर्क विथ मैक एड्रेस. ये जो है मैक एड्रेस के साथ में वर्क करता है. मीन्स इट अंडरस्टैंड द मैक. वॉट इज मैक? मैक एड्रेस मीन्स वॉट? इट इज अ फिजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस एड्रेसिंग, इट विल बी कंप्लीटेड इन द एड्रेसिंग. भाई मैन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एड्रेसिंग. देर टू टाइप्स ऑफ एड्रेस, एड्रेसिंग फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस होता है मैक एड्रेस. इसको मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं. जैसे आपका हाउस होम एड्रेस है, वो एक परमानेंट एड्रेस होता है. परमानेंट एड्रेस होता है किसी डिवाइस का, ठीक है. वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैक एड्रेस हम चेंज नहीं करते, ठीक है. एक डिवाइस को एक मैक एड्रेस असाइन हो गया, वही रहता है, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं, जनरली हम चेंज नहीं करते. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैक एड्रेस, ठीक है. आईपी एड्रेस क्या होता है, वो हम लॉजिकल एड्रेस जब हम स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे, ठीक है. मैक एड्रेस क्या होता है? ये एक फिजिकल एड्रेस होता है. इसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है. ये यूज़ करता है स्विच. किसके लिए यूज़ करता है ये मैक एड्रेस? यूज़ करता है डिवाइसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, नंबर ऑफ पोर्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये मैक टेबल मेंटेन करता है. एक्चुअली इसको बोलते हैं कैम टेबल. कैम टेबल मीन्स व्हाट? कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी. कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी.
ठीक है, कैम टेबल में क्या होता है, कैम टेबल में पोर्ट्स होते हैं और मैक एड्रेस होता है, ठीक है, क्या होता है, पोर्ट्स होते हैं, मैक एड्रेस होता है, ठीक है, ये स्टोर होता है कैम टेबल में, ठीक है। सपोज फोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द स्विच। नाउ अभी इसका वर्किंग जो रहेगा, इनिशियली जो कैम टेबल रहेगा वो एम्प्टी रहेगा, इसमें कुछ स्टोर नहीं रहेगा कि कौन से पोर्ट का कौन सा मैक एड्रेस है। ये कब तक नहीं होगा, इनिशियली जब तक के कैम टेबल कंप्लीट नहीं होता है। कैम टेबल कंप्लीट कब होगा, जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, जब स्विच स्टार्ट होता है तो स्विच क्या करता है, एक डमी मैसेज सेंड करता है, ठीक है, ये क्या करता है, एक डमी मैसेज सेंड करता है, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ऐसे एक डमी मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। सपोज ए टू बी करता है तो क्या होगा, सोर्स रहेगा ए, सोर्स रहेगा ए, डेस्टिनेशन रहेगा बी, तो वो क्या करेगा, ए का इनसे इनपुट आ रहा है जिसका मैक एड्रेस ये है, जो फिर बी से इसको रेस्पॉन्स मिलेगा, तो वो बी इसका मैक एड्रेस, देन ए टू सी, सी टू ए, तो सो इट विल मेंटेन द मैक एड्रेस ऑफ सी, एंड देन ए टू डी एंड डी टू ए लाइकवाइज, देन इट विल मेंटेन द मैक एड्रेस। सो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग करेगा, फर्स्ट टाइम इसको पता नहीं है कि ए का मैक एड्रेस क्या है, बी का मैक एड्रेस क्या है, वो ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट करने के बाद में जो रिप्लाई आएगा, रिप्लाई से उसको अंडरस्टैंड हुआ कि ये पर्टिकुलर पोर्ट से, ये मैक एड्रेस से ये इनपुट आ रहा है, सो इट विल मेंटेन द कैम टेबल। कैम टेबल में नंबर ऑफ पोर्ट्स रहेंगे और उसके मैक एड्रेसेस रहेंगे, ठीक है। तो इनिशियली फर्स्ट टाइम ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, और उसके बाद फिर यूनिकास्टिंग पॉसिबल है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। ये पॉइंट टू पॉइंट को हमको, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज फॉर डेटा सिक्योरिटी, ठीक है, बिकॉज ओनली द पर्सन हु इज इंटेंडेड फॉर शुड रिसीव द सिग्नल, अदर डिवाइसेज शुड नॉट रिसीव दैट पर्टिकुलर सिग्नल, ठीक है। तो इनिशियली जब स्विच ऑन होगा तो वो सारे उसमें कनेक्टेड डिवाइसेस को एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा, और ब्रॉडकास्टिंग के लेवल से जैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो अपने कैम टेबल को अपडेट कर लेगा। कैम टेबल अपडेट होने के बाद में फिर अब वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, फिर अब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन पॉसिबल है। डेटा सिक्योरिटी के लिए हम इसके लिए प्रीफर करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, जैसे कि ब्रिज और स्विच, ब्रिज सॉरी हब एंड रिपीटर का प्रॉब्लम था कि वो ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता था, तो ये ऐसा स्विच में नहीं होता है। देन टाइप्स ऑफ स्विच, द टाइप्स ऑफ स्विचेस आर मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल स्विच। मैनेजेबल स्विच में क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, मीन्स जैसे हम इसका कमांड लाइन इंटरफेस CLI को एक्सेस कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस को, और क्या कर सकते हैं मैनेजेबल में, कुछ एक्स्ट्रा स्लॉट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे राउटर में होता है कुछ एक्स्ट्रा स्लॉट्स गिवन होते हैं, हम एक्स्ट्रा स्लॉट्स ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही हम मैनेजेबल स्विच में एक्स्ट्रा स्लॉट्स ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू अनमैनेजेबल स्विच। अनमैनेजेबल स्विच में क्या होता है, एंड मैनेजेबल स्विच अंडरस्टैंड द आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस भी ये अंडरस्टैंड कर सकता है, मैक एड्रेस भी अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो अनमैनेजेबल स्विच है ये सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैक एड्रेस, इसको आईपी एड्रेस नहीं समझेगा, ठीक है। इट कैन अंडरस्टैंड ओनली द मैक एड्रेस, इट इज़ चीपर एज कम्पेयर टू द मैनेजेबल स्विच, ओके। इट कैन, इट कैन नॉट अंडरस्टैंड द आईपी एड्रेस, इट कैन अंडरस्टैंड ओनली द मैक एड्रेस, ठीक है। ये टाइप्स है स्विच के। नाउ इफ यू वॉन्ट टू परचेज द स्विच इन द मार्केट, ठीक है, सपोज आप ऑनलाइन स्विच परचेज कर रहे हो तो क्या होगा, सपोज सिस्को के वेबसाइट से आप स्विच परचेज कर रहे हो, आप सिस्को की वेबसाइट पर जाओगे, देन इन प्रोडक्ट्स यू विल फाइंड द स्विचेस, तो वहाँ पे स्विचेस कितने टाइप्स के होते हैं, ये ऐसा बाइफर्गेशन रहेगा। सिस्को हायरार्किकल मॉडल आई हैव शोन यू हियर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्विचेस यू विल फाइंड हियर, दैट इज एक्सेस लेयर स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच एंड कोर लेयर स्विच, ठीक है। अभी हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं कि एक्सेस लेयर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्या होता है, एंड कोर लेयर स्विच क्या होता है। जो एक्सेस लेयर स्विच होते हैं ये बेसिक लेवल पे यूज होते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज द स्विच, दिस इज द स्विच एंड इट इज यूज्ड एट द बेसिक लेवल, ठीक है। अभी एक्सेस लेयर स्विच का जो सीरीज होता है, दैट इज 1900 2900 1900 2900, दिस सीरीज आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर एक्सेस लेयर स्विच। अभी एक्सेस लेयर स्विच जो यूज होता है वो फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग यूज करता है,
अभी फ्रेगमेंट फ्री स्विच क्या होता है, फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग में ऐसे होता है कि इसका जो फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है, सपोज एक फ्रेम है, ये फ्रेम 1500 के बी बाइट्स का है, 1500 बाइट्स, ठीक है, ये फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है, तो एक्सेस लेयर स्विच क्या करता है, इसमें से 64 बाइट्स को ही चेक करता है। किसके लिए चेक करता है? फॉर एरर, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए। एरर डिटेक्शन के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, तो सीआरसी के थ्रू वो क्या करेगा, फर्स्ट 64 बिट को ही चेक करेगा, अगर 64 बिट में एरर नहीं आता है तो ये कंप्लीट फ्रेम को ट्रांसमिट कर देगा, अगर 64 बिट में एरर इंट्रोड्यूस होता है, एरर डिटेक्ट होता है, तो इट विल डिस्कार्ड द कंप्लीट फ्रेम, ठीक है। सो ये वर्किंग होता है फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग में, एक्सेस लेयर स्विच का ये वर्किंग होता है, ठीक है, और ये बेसिक लेवल पे यूज़ होता है, ठीक है। मिडल लेवल पे जो स्विच यूज़ होता है, जो मोस्ट वाइडली यूज होता है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच जो होता है कि इसके ऊपर यूज होता है, सपोज देयर आर सो मैनी ओके नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच। इसका जो सीरीज होता है दैट इज 3000 5000 7000, ये सॉरी 3000 5000, दिस इज द सीरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच। ये क्या करता है, इसमें जो स्विचिंग यूज होता है दैट इज स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मीन्स इट कैन लोड द इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट इज हैविंग द मेमोरी। अब इसमें मेमोरी होता है, इसके लिए वो इन्फॉर्मेशन को लोड भी करता है, प्रोसेस भी करता है, ठीक है। ये एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू एक्सेस लेयर स्विच। और ये क्या करता है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था यहाँ पर, ऐसे ही अगर हम कंप्लीट फ्रेम ट्रांसमिट करते हैं तो ये कंप्लीट फ्रेम ऑफ 1500 बाइट्स कंप्लीट फ्रेम को चेक करेगा, एरर डिटेक्शन के लिए कंप्लीट फ्रेम को चेक करेगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ 64 बाइट्स को चेक कर रहा है, एंड देन इट विल ट्रांसमिट। तो ये स्लोअर रहेगा एज कम्पेयर टू दिस, लेकिन इसका मेमोरी बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सेस लेयर स्विच, बट कॉस्ट इज मोर एज कम्पेयर टू एक्सेस लेयर स्विच। एंड थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ स्विच इज कोर लेयर स्विच, ठीक है, ये इसके भी ऊपर में यूज होता है कोर लेयर स्विच, ठीक है। यहाँ पे कोर लेयर स्विच के जो सीरीज है दैट इज 7000 8000 10000 12000, ये सीरीज मार्केट में अवेलेबल है कोर लेयर स्विच के लिए, जो यूज करता है कट थ्रू स्विचिंग। कट थ्रू स्विचिंग यूज करता है, ये एरर डिटेक्शन नहीं करता है, नो एरर डिटेक्शन, ये एरर डिटेक्शन क्यों नहीं करता है, इसका जो मेन पर्पस है ये फास्ट स्विचिंग करता है, ठीक है, और ये टॉप मोस्ट पे यूज करता है। ऑलरेडी यहाँ पे एरर डिटेक्शन हो चुका है तो टॉप लेयर पे इसको पोजीशन पे इसको यूज करने की जरूरत नहीं है एरर डिटेक्शन की, बस इट फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन वेरी फास्ट। तो इसका बेसिक पर्पस जो होता है वो स्विचिंग होता है, ठीक है, कट थ्रू स्विचिंग सिर्फ स्विचिंग करता है यहाँ पे, जैसे एक्सेस लेयर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जैसा एरर डिटेक्शन नहीं होता है। कंप्लीट जो भी फ्रेम इसके पास आएगा वो उसको फास्ट स्विच करेगा, फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, बेसिक पर्पस इसका स्विचिंग होता है। ये मोस्टली कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है कोर लेयर स्विच। ओके ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्विच। Thank you for watching.